साउंड स्टैंडर्ड कंपनी का CA20 एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर ख़राब है, तो पहले हम इसको चालू करते हैं, देखिए इसका प्रॉब्लम। तो हम पावर स्विच ऑन करते हैं, देखिए हमने पावर स्विच ऑन कर दिया है। देखिए दोनों चैनल एक्टिव हो गया है, लेकिन ये जो चैनल वन है, देखिए इसमें क्लिप लाइट शो किया है, और चैनल टू नॉर्मल है, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम हम ठीक करेंगे। तो इसमें भी देखिए जो अंदर में जो सिग्नल एलईडी है वो भी देख जल शो किया है। तो इसी प्रॉब्लम हम ठीक करेंगे। तो पहले ये जो एम्पलीफायर है, इसका जो चैनल वन का मॉड्यूलेट है, इसको हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेट को हमने खोल लिया है। अभी ये जो ट्रांजिस्टर है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो पहले हम फ्यूज को चेक करते हैं। देखिए देखिए इस साइड का जो फ्यूज है, देखिए इस साइड का जो फ्यूज है, ये फ्यूज ठीक है। और देखिए इस साइड का फ्यूज बास्ट हो गया है। तो पहले जिस साइड का जो फ्यूज बास्ट है, उस साइड का हमने चेक करेंगे। तो देखिए इस साइड का जो फ्यूज बास्ट है, तो इसी साइड का हम ट्रांजिस्टर जो है उसको चेक कर लेते हैं। तो पहले ट्रांजिस्टर को हम चेक कर लेंगे। तो मीटर को हम बाजार रेंज में रख देते हैं। देखिए बाजार रेंज में रख दिया है। ये तो फ्यूज बास्ट हो गया है, कुछ नहीं है। तो ट्रांजिस्टर को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले जो फ्यूज बास्ट हुआ है, तो हम पहले ये जो फ्यूज लगा के देखेंगे। तो इस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं, इस साइड में फ्यूज नहीं बास्ट हुआ है, उस साइड का भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए इस साइड में भी ट्रांजिस्टर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो फ्यूज जो बास्ट हुआ है, इसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए एक नया फ्यूज ले लिया है, इसको लगा देते हैं। तो अभी हम मॉड्यूलेट को फिट कर लेंगे और चेक भी कर लेंगे। मॉड्यूलेट को हमने फिट कर लिया है, अभी हम इसको चेक करेंगे।
सीरीज लाइन में हमने लगा दिया है, अभी स्विच ऑन करते हैं। देखिए दोनों साइड एक्टिव हो गया है, तो ये चैनल में कुछ खराबी नहीं हुआ था, वो जो फ्यूज था वो फ्यूज बास्ट हो गया था, इसीलिए ये जो क्लिप लाइट है वो शो किया था, तो ये एकदम ठीक है। अभी हम इसको गाना चला के देख लेंगे साउंड ठीक है कि नहीं, तो बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों दोनों साइड का साउंड भी ठीक है।